हेलो फ्रेंड्स, सीए फाउंडेशन सीरीज़ के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ दी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है, एग्रीमेंट का अर्थ क्या होता है, व्हाट आर दी वेरियस एसेंशियल्स ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट्स को किन बेसिस के ऊपर जो है हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी मैंने अपने garg.shashi.com के ब्लॉग पे डाल दिया, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, देखो कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो लीगली इन्फोर्सिबल होते हैं, तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है वैलिडिटी के हिसाब से कर सकते हैं, फॉर्मेशन के हिसाब से कर सकते हैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से कर सकते हैं। अगर वैलिडिटी के हिसाब से करते हैं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, और अगर फॉर्मेशन के बेसिस पे है तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। उसी तरह परफॉर्मेंस के बेसिस पे है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आगे दो टाइप का होता है, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है। देखो जो एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सिबल है और जिसके अंदर सेक्शन 10 के वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और देखो कोई भी एग्रीमेंट जो है तभी एग्रीमेंट का अर्थ होता है जिसके अंदर एक पार्टी दूसरी को ऑफ़र देती है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और उस एग्रीमेंट के अंदर क्या है कि जितने भी एसेंशियल सेक्शन 10 के अंदर है वो सारे उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, देखो यहाँ पे टर्म जो यूज़ हुई है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसको सेक्शन 2G जो है डील करता है। देखो ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनिशियली वो लीगली इन्फोर्सिबल होता है लेकिन बाद में क्या होता है कि इम्पॉसिबल सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से क्या होता है कि वो वॉइड हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि लीगल जो रेमेडीज़ होती हैं वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं होती। जैसे मान लो हमने किसी फॉरेन कंट्री से क्या है चीज़ें इंपोर्ट करनी है, और जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है उस वक्त क्या होता है कि हमारे उस देश के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं, बाद में उसी देश के साथ हमारा युद्ध लग जाता है, तो वॉर लगने की वजह से क्या होता है कि जो इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग है वो बैन हो जाती हैं, और क्योंकि हम अपने जो दुश्मन देश के नागरिक हैं उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो वो वॉइड हो जाता है। शुरू में वैलिड होता है बट लॉ की वजह से क्या होता है कि ये बाद में वॉइड हो जाता है। वॉइड का अर्थ होता है जिसको हम लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम कोर्ट के अंदर जो है नहीं जा सकते। और उसी तरह वॉइड एग्रीमेंट, अब देखो यहाँ पे टर्म जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मैंने पहले कहा जो इनिशियली वैलिड होता है बाद में जो होता है वॉइड होता है, जिसका नल इफेक्ट होता है, लीगली नहीं जा सकते। अब यहाँ पे टर्म जो है वॉइड एग्रीमेंट, देखो ये वो एग्रीमेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही नहीं है, जो शुरू से ही क्या है सेक्शन 2G कहता है कि जो इन्फोर्सिबल नहीं होता वो वॉइड होता है, और ये कोई लीगल राइट जो है लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करता, और ये एब इनिशियो होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इट इज़ नल एंड वॉइड। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे एग्रीमेंट विद माइनर है डेट इज़ वॉइड, जैसे हम कहते हैं कि किसी पर्सन का अनसाउंड माइंड है तो उसके साथ भी जो एग्रीमेंट है डेट इज़ वॉइड, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये शुरू से ही वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही नहीं है। और उसी तरह ही हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की जब बात करते हैं तो इसको सेक्शन 2I डील करता है। देखो जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है ये वैलिड होता है, अनइन्फोर्सिबल, इसको हम लीगली कोर्ट के अंदर जा सकते हैं इसकी एग्जीक्यूशन के लिए। और जब तक देखो यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ होता है कि जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है कि जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, मिसिंग है, तो नेचुरली जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है वो कोर्ट के अंदर चाहे तो इसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकती है, चाहे इसको इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्जीक्यूट कर सकती है, इसको वैलिड बन सकती है, तभी इसको कहा गया है वॉइडेबल। कि अगर पार्टी चाहे जिसकी फ्री कंसेंट मिसिंग है, जिसकी फ्री कंसेंट नहीं है तो वो इसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है, चाहे तो इसको एग्जीक्यूट कर सकती है। जैसे ए ने जो है अपनी कार जो है 50,000, बी अपनी कार जो है उसने बी को प्रॉमिस किया कि हाँ मैं तुझे सेल करूँगा, यहाँ पर जो ए की कंसेंट थी वो बाय फोर्स ली गई थी, वो फ्री नहीं थी, फ्री का अर्थ है उसने अपनी इच्छा से कंसेंट नहीं दी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगर चाहे भी ए
तो उसकी इच्छा के ऊपर इसको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर चाहे तो वो अपनी कार जो है 50,000 के अंदर बी को सेल भी कर सकता है। अगर उसने सेल कर दिया, ज़बरदस्ती करवा ली है उसने, तो वो अगर कोर्ट के अंदर नहीं जाता तो ये एक वैलिड है, तो वॉइडेबल। अगर जिस पार्टी की कंसेंट जो है फ्री है, फ्री नहीं है, फ्री का मतलब उसने अपनी इच्छा से नहीं दी, तो उस वो पार्टी जो है कोर्ट के अंदर जाके उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। उसी तरह हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी के अंदर अगला जो टाइप है डैट इज़ द इलीगल एग्रीमेंट। देखो, इलीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो देश के कानून के अगेंस्ट जाता है, जो बेसिक पब्लिक पॉलिसी को वायलेट करता है और जो क्रिमिनल नेचर होता है या इमोरल होता है। तो ये एग्रीमेंट जो है नल एंड वॉइड होता है। नल एंड वॉइड का अर्थ होता है कि ये इसके अंदर कोई लीगल रेमेडी नहीं होती, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। देखो, जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वॉइड होते हैं, बट जितने भी वॉइड एग्रीमेंट है ज़रूरी नहीं कि वो इलीगल हो। इलीगल एग्रीमेंट जो है कोलेटरल, जो उसके सब्सिडरी ट्रांजैक्शन होती है, उसको भी इफेक्ट करता है। जैसे ए ने 20,000 बी से बोरो किया और ये बोरिंग उसने किस काम के लिए लेनी थी, उसने क्या था कि किसी जो एनमी कंट्री थी वहाँ से जो प्रोहिबिटेड गुड्स थी उसको इंपोर्ट करना था, जो बैन थी। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये बेसिकली क्या है कि देखो, उसने किस पर्पस के लिए लेना था जो कि इलीगल है। तो यहाँ पे उसने जो बोरिंग किया है इलीगल पर्पस के लिए, तो ये भी क्या है, कोलेट्रल ट्रांजैक्शन है, तो ये भी क्या है इलीगल, तो ये भी क्या है कि वॉइड है। तो यहाँ पे भी क्या है कि अगर ए जो है 20,000 बी से लेता है तो बी उससे रिकवर नहीं कर पाता, क्योंकि इसके अंदर कोई लीगल रेमेडी नहीं है, क्योंकि ये उसने इलीगल पर्पस के लिए बोरिंग की थी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इलीगल एग्रीमेंट जो है ये कोलेट्रल जो ट्रांजेक्शन है उसको भी इफेक्ट करती है। और जो एग्रीमेंट वॉइड होते हैं बट इलीगल एग्रीमेंट नहीं होते, तो वो कोलेट्रल ट्रांजेक्शन को जो है इफेक्ट नहीं करते। और उसी तरह अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये वैलिड होते हैं लेकिन इसको लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके अंदर टेक्निकल डिफेक्ट होते हैं। जब उस टेक्निकल डिफेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाता है तो ये वैलिड बन जाते हैं। कई बार ये प्रॉपरली साइन नहीं होते या प्रॉपरली स्टैम्प नहीं होते या प्रॉपरली जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर नहीं होते, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको कोर्ट के अंदर एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। तो जब टेक्निकल डिफेक्ट जो होते हैं रिमूव हो जाते हैं तब ये वैलिड हो जाते हैं, अगर बाकी सारे एसेंशियल एलिमेंट जो है प्रेजेंट हों। और उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के अंदर क्या है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। देखो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब हम स्पेसिफिकली बोल के जो है, या तो स्पोकन हो सकता है या रिटन फॉर्म में हो सकता है, और यहाँ पे इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है क्लियर कट बोली जाती हैं या लिखी जाती हैं। जैसे ए जो है बी को ऑफर करता है कि मैंने अपना बाइसाइकिल जो है तुम्हें 1,000 में सील करना है, और बी जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे ये जो है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी ने स्पेसिफिकली बोला और पार्टी दूसरी ने उसको स्पेसिफिकली मतलब विदाउट एनी कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमें एक्ट या कंडक्ट से पता चलता है कि हमने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो, इम्प्लाइड प्रॉमिस जो होता है जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो इम्प्लाइड अपने कंडक्ट से, जब हम बस के अंदर चढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और अगर हम वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें टिकट वगैरह परचेज़ करनी पड़ेगी। और उसी तरह जब रेस्टोरेंट के अंदर हम कप ऑफ टी मंगवाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हमें उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो ये जो होता है सराउंडिंग से जो होता है कि पता चलता है कि हमने यहाँ पे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को जो है एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उसी तरह कंस्ट्रक्टिव या कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि बेसिकली पार्टीज़ की कोई इंटेंशन नहीं होती कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, ये लॉ के द्वारा जो है क्रिएट किया जाता है और ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के द्वारा जो है एग्जिस्ट करता है। जैसे कोई ट्रेडर है किसी की हाउस के अंदर जो है चीज़ें छोड़ आता है गलती से और बी जो है उसको अपनी चीज़ें मान लेता है, तो उसकी लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ए को जो है पैसे दे। और उसी तरह क्या है कि जो ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट जो अभी मैंने बात की वो ट्रेडिशनल है, जिसको हम पेपर के अंदर जो है एग्जीक्यूट करते हैं। ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं जिनको हम दो पार्टी जो है इंटरनेट के द्वारा जो है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती हैं, तो इसके अंदर भी क्या होता है कि ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट भी जो है अगर ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो ये भी क्या होता है कि लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं।
और उसी तरह ही परफॉर्मेंस के बेसिस पे है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड जैसे नाम से ही पता चला है, जिसको पूरा कर दिया गया है। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है कि विच इज़ डन, जिसको हमने पूरा कर दिया है। और देखो यहाँ पे दोनों पार्टीज ने जो है अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर दिया है, तो अब किसी की भी ऑब्लिगेशन जो है नहीं रहती। जैसे ए बी को कहता है कि मैं तेरी पिक्चर पेंट करूँगा, तो उसके बदले में मुझे जो है 200 रुपीज़ देना। ए जो है बी की पिक्चर पेंट कर देता है, बी उसको जो है 200 रुपये दे देता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि दिस इज़ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जिसको अभी परफॉर्म नहीं किया होता है, ये भी दो तरह का हो सकता है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। देखो यूनिलेटरल के अंदर क्या होता है कि एक पार्टी जो है उसने अपना ड्यूटी जो है, अपनी ऑब्लिगेशन जो है पूरी कर दी है, दूसरी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जैसे ए ने जो है बी की पिक्चर पेंट कर दी है, लेकिन बी ने अभी उसको पैसे नहीं दिए। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर दोनों पार्टीज़ ने अभी जो अपनी ऑब्लिगेशंस हैं परफॉर्म नहीं की होती। जैसे ए ने बी की पिक्चर पेंट करनी होती है, वो अभी नहीं की, और बी ने भी उसको पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पर दोनों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, दोनों की ऑब्लिगेशंस रहती हैं। और उसी तरह क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंग्लिश लॉ, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये इंग्लैंड के अंदर जो है रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, इनको इंडिया के अंदर जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। और यहाँ पे इन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है कि कंसेशन असेंशियल नहीं है, और ये दो तरह के होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, ये जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स होती हैं, या हम इसको कह सकते हैं रिकॉग्निशन इज़ ए रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेट ड्यू टू द क्राउन। ये जैसे क्रिमिनल केस के अंदर, जैसे कोई बंदे को अरेस्ट किया गया है और वहाँ पे उसको बेल पे छोड़ना है, तो वो जो है पेनल्टी वगैरह जो है पे करता है, देता है या बॉन्ड भरता है, तो उसको हम कहते हैं कि रिकॉग्निशन है। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील के अंदर क्या होता है कि जो जो है इसकी फॉर्म से अपनी बाइंडिंग फोर्स जो है ड्राइव करता है, ये रिटन होता है, साइंड होता है, सील्ड होता है, और पार्टी के द्वारा डिलीवर किया जाता है। और यहाँ पे भी क्या होता है कि कंसेशन जो है असेंशियल नहीं होती। और कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील जो है ये हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ मेड बाय कंपनीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज रिलेटिंग टू लैंड फॉर मोर देन 3 ईयर्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ ए ब्रिटिश शिप और एनी शेयर देयर इन। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। उसी तरह हम देखते हैं कि सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि सील के अंदर नहीं होते, उनको हम कहते हैं कि वो जो है बेसिकली क्या है कि वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और नेचुरली ये रिटन भी हो सकते हैं और स्पोकन भी हो सकते हैं। और ऑल जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो है कंसेशन का होना असेंशियल होता है।